बांग्लादेश में वनडे सीरीज खेलने के लिए जब हमारी टीम पहुंची थी तब सभी को लगा था कि चलो अब T20 वर्ल्ड कप तो गया, लेकिन 50 ओवर के वर्ल्ड कप की धमाकेदार अंदाज में तैयारी शुरू होगी क्योंकि कप्तान समेत सीनियर प्लेयर्स भी वापस आ गए थे और बांग्लादेश भारतीय टीम के मुकाबले रिलेटिवली कमजोर टीम मानी जा रही थी। बट दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन इन द फर्स्ट टू ODIs और उन्होंने 2-0 पर ऑलरेडी कब्जा जमा लिया है। वहीं टीम इंडिया ना सिर्फ सीरीज हार चुकी है बल्कि कप्तान रोहित शर्मा की इंजरी का केयर भी है कि वो टेस्ट सीरीज भी मिस कर सकते हैं। कुलदीप सेन भी बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह कुलदीप यादव टीम में आ चुके हैं। उसके साथ साथ दीपक चहर की इंजरी के बाद अब टीम इंडिया एक फास्ट बॉलर भी शॉर्ट हो गई है और KL राहुल को तीसरे ODI में भारत की कप्तानी करनी है। ऐसे में क्या टीम इंडिया बांग्लादेश के घर में क्लीन स्वीप से खुद को बचा पाएगी, क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और चट्टोग्राम से क्या है पिच रिपोर्ट, सबके बारे में डिटेल बात होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। मीरपुर से अब टीम इंडिया की गाड़ी पहुंच गई है जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में, जहां पर तीसरा और आखिरी ODI मैच सुबह 11:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन मीरपुर के मुकाबले अगर चट्टोग्राम की विकेट की हम बात करें तो पिछले 3 ODIs जो यहां पर खेले गए थे वो हुए थे बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच, जिसे बांग्लादेश ने 2-1 से जीता था। पहले 2 मैच बांग्लादेश ने जीते थे, पहला मैच बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं था, दूसरे मैच में बांग्लादेश ने जरूर 300 से ज्यादा रन बनाए थे और उसके बाद तीसरा मैच भी एक लो स्कोरिंग मैच था जिसको अफगानिस्तान ने जीता था। यानी कि यहां पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी सी ज्यादा मदद मिल सकती है, खास करके जब गेंद 20-25 ओवर पुराना हो जाए। ऐसे में इस मैदान के स्टैट्स अगर हम देखें तो अभी तक यहां पर 23 ODI मैचेस खेले गए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर 215 है और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर है 190। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैदान नहीं है और जैसे मीरपुर में कंडीशंस थी हो सकता है वैसे ही कंडीशंस हमें देखने को मिले। इसके लिए हमें ऑफिशियल पिच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आपके दिमाग में होगा तो आप पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हो। लेकिन दोनों ही टीम की बल्लेबाजी कोई बहुत ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है, खास करके दोनों ही टीमों का टॉप ऑर्डर। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी। वहीं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों में अब थोड़ी सी तब्दीली आई है क्योंकि बांग्लादेश ने 2 मैच बैक टू बैक जीत लिए हैं। 38 मुकाबलों में से 30 मैच भारत ने जीते हैं, वही 7 मैच बांग्लादेश के हाथ लगे हैं और एक मैच ऐसा था जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में क्लीन स्वीप से बचने के लिए और उसके साथ साथ जीत की पटरी पर अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए टीम इंडिया को इस मैच में जीत दर्ज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं रोहित शर्मा और दीपक चहर के चले जाने के बाद अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव तो जरूर होंगे, लेकिन कैसे बदलाव होंगे इसके बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज शिखर धवन आपके लेफ्ट हैंड ओपनर ऊपर हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही तीसरा मैच भी खेलने वाले हैं और फेयर इनफ उनको पूरी सीरीज मिलनी भी चाहिए टू प्रूव हिज केस फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन ईशान किशन वहां पर ऑलरेडी हैं, रजत पाटीदार हैं और उसके साथ साथ राहुल त्रिपाठी भी हैं, तो आप तीनों में से किसको शिखर धवन के जोड़ीदार के तौर पर देख रहे हो, या फिर एक बार फिर से विराट कोहली ही शिखर धवन के साथ ओपन करेंगे, पाटीदार को आप 3 पर खिलाओगे या फिर KL राहुल खुद को प्रमोट करेंगे एज एन ओपनर, तो ये सारी चीजें टीम इंडिया की तरफ से हमें देखनी होंगी। लेकिन अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देते हैं और जिस तरीके से पास्ट में स्ट्रेटजी बनाई है भारत ने, तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के साथ साथ जो हमारा एक टेम्पलेट रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा पैकिंग ऑर्डर रहा है उसी को यहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो मेरे हिसाब से ईशान किशन ओपन कर सकते हैं शिखर धवन के साथ, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और कुलदीप यादव जिन्हें ड्राफ्ट किया गया है इस ODI टीम में, वो हमें खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। वही बांग्लादेश को अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पिछले मैच में वो नसूम अहमद को लेकर के आए थे और उनके लास्ट के जो तेजी से रन उन्होंने बनाए थे दैट टर्न आउट टू बी अ बिग फैक्टर फॉर बांग्लादेश। ऐसे में उनके लिए ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे कप्तान लिटन दास के साथ नजमल हुसैन शांतो, अनामुल
उलहक, शाकिब अल हसैन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, आफीफ हुसैन, मेहंदी हसन, मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद और नसूम अहमद में से कोई एक, और इबादत हुसैन, जिनका प्रदर्शन इस ODI सीरीज में कमाल कर रहा है। वहीं टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो उनको शायद ईशान किशन से पहले मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी की तरफ देखना चाहिए अगर आप उनमें से किसी को ओपन करवाना चाहते हो। अगर आप ओपनर बल्लेबाज नहीं चाहते, अगर आप मे बी ईशान किशन को खिलाना चाहते हो तो आप उनको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में भी खिलाने को देख सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनका कॉम्पिटिशन संजू सैमसन या ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों से होगा, और KL राहुल भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं तो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो आप खामखा एक ओपनिंग कंटेंडर नहीं बढ़ाना चाहते। शुभमन गिल ऑलरेडी आपके लिए तैयार बैठे हैं और रोहित जब वापस आएंगे तो वैसे भी ओपनर को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। वहीं दोनों ही टीमों से तीन तीन की प्लेयर्स अगर पिक करने हो तो इस मैच के लिए मैं जा रहा हूं कप्तान KL राहुल, श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर के साथ, क्योंकि बल्लेबाजी आसान नहीं होने वाली है और स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए एक की बॉलर हो जाते हैं। वहीं बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर तो कमाल का खेल दिखा ही रहे हैं, पहले वनडे में KL राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो इन दोनों को मैं बैक कर रहा हूं। वहीं बांग्लादेश के तीन की प्लेयर्स की बात करें तो कप्तान लिटन दास के साथ शानदार फॉर्म में चल रहे मेहंदी हसन, मिराज और मुस्तफिजुर रहमान मेरे हिसाब से तीन की प्लेयर्स होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि मुस्तफिजुर के साथ जाऊं या शाकिब के साथ, लेकिन मैंने मुस्तफिजुर को पिक किया है बिकॉज उनका लेफ्ट आर्म एंगल और जिस सिचुएशन में वो बॉल डालते हैं बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब इस पूरे प्रीव्यू पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और मिलो कि आपके हिसाब से रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी और ईशान किशन में से किसे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए और उसके साथ साथ टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक क्या होनी चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इस सीरीज के बाद बहुत ही जल्द टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान होने वाला है और उसको लेकर के भी कुछ सोर्सेस से न्यूज निकल करके आई हैं जो कि जल्द ही आपके साथ शेयर की जाएंगी। बस उनका थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन होना बाकी है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.